वेलकम बैक टू द चैनल गाइस, आप देख रहे हैं ब्लॉग बाजार। आज मैं अपने i20 में थोड़ा सा चेंजेस करा रहा हूँ, जो कि मैंने गाड़ी में अलॉयज लगवाए थे और टायर नए डलवाए थे, उसमें थोड़ा सा लुक की एक जो कमी आ रही थी, आज उसको मैं कवर अप कर रहा हूँ। और क्या उसमें चेंजेस होने वाले हैं वो मैं अब आप आने वाली वीडियो में देखने वाले हैं। तो इस वीडियो को पूरा एंड तक ज़रूर देखिएगा और इस वीडियो को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा और सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा इस चैनल को, और बेल आइकन को जो है प्रेस ज़रूर कीजिएगा ताकि आने वाली और जो वीडियोज़ हैं उसकी नोटिफिकेशन आपको टाइम से मिलेगा। तो चलिए करते हैं स्टार्ट। आज हमारे साथ फिर से हैं दोबारा। सुशांत कैसा लग रहा है इस वीडियो में? बढ़िया लग रहा है। और आज गाड़ी में क्या क्या करने वाले हैं? गाड़ी में रफ पैच मारने वाले और अच्छा, तो ड्रम पैड पे पेंट लगाने वाला है और डिस्क पैड पे पेंट लगाने वाला है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं और देखते हैं कि क्या क्या चेंजेस हो गए हैं। और आई थिंक मेरे आने से पहले इसने एक कोड मार दिया था और फाइनल कोड के लिए शाम जा रहा है। गाइस देख सकते हो आप लोग, अभी एक जो फाइनल कोड है वो बेस कोड जिसको हम बोलते हैं, क्योंकि अगर किसी भी कलर को अगर आपको ग्रो लेके आना है, आपको ब्राइटनेस लेके आनी है, तो उस पर एक वाइट कोट ज़रूरी है ताकि वो कलर जो है वो बहुत खिल के बाहर आता है। तो आई थिंक ये तो देख सकते हो आप लोग, ये एक कोट लग गया इसमें जो है वो, इस पर थोड़ा सूखने के बाद अब रेड कलर का एक कोट लगेगा और माइंड हो सकता है दो कोट जो है वो रेड कलर के लगेंगे। तो एक बार ये काम पूरा हो जाए उसके बाद मैं फाइनल लुक दिखाऊंगा आपको, लेकिन पूरे आपका ड्रम ब्रेक और डिस्क ब्रेक पे जो आपका कलर है वो कैसे निकल गया। तो गाइस देख सकते हो आप लोग, ये जो पोलो का स्प्रे मैक्स है, हाई परफॉर्मेंस स्प्रे पेंट अगर आप देख रहे हो उस पर लिखा हुआ, ये ब्लड रेड है और बहुत अच्छा पेंट है ये। ऑलरेडी मैंने इसको पहले भी यूज़ किया हुआ है और अगर आप इसको यूज़ करते हो तो आपकी गाड़ी में जो शाइनिंग है तो हम किसी भी तरीके से यूज़ कर सकते हैं। अगर आपका कोई पेंट है रेड कलर का, जैसे किसी की गाड़ी है रेड का, बहुत कलर आता है, ब्लैक आता है, वाइट आता है, रेड आता है, तो अगर आपका सॉलिड कलर है तो उसमें आप अगर नॉर्मली डेंट किया आता है आप इसमें हल्का सा स्प्रे मारते हो, इसमें ऑलरेडी शाइनर इंक्लूडेड है और ये आई थिंक 200 से 250 के इन बिटवीन आपको मिल जाता है बॉटल। आप अगर दूर से मारते हो तो ये आराम से आपका जो है पेंट का काम करता है अगर स्क्रैचेज आते हैं। देख सकते हो सेफ्टी जो है ये बहुत इंपॉर्टेंट है, जो कि पूरा कवर करके शान जो है वो मार रहा है ताकि आपके जो डिस्क है उस पर कोई कलर वलर ना आए। We'll be right back.
ये फाइनल कोट आप देखो, शान मारने जा रहा है, देखते हैं। आप पेंट करा रहे हो तो यहाँ पे जो सर्विसेज है वो इस तरीके से सर्विस दी जाती है कि अगर आपकी गाड़ी में टायर है, देख लो, अगर मेरे देखो तो टायर ऑलमोस्ट ये मैंने वॉश कराए थे और हल्की फुल्की मिट्टी लगी है, तो इस तरीके से ये लोग सर्विसेज नहीं देते हैं कि हाँ आप सिर्फ अगर पेंट कराने आ रहे हो तो वो पेंट करके छोड़ देंगे। नहीं, गाड़ी आपके प्रॉपर जो है टायर्स की जो लुक है वो लुक तभी आती है आपकी जब आपकी गाड़ी के टायर जो हैं वो पूरे वॉश हो। तो ये शान भाई है जो गाड़ी को पूरी तरीके से एक अलग लुक और अलग दिखने के लिए टायर को दोबारा धो रहे हैं। आप देख सकते हो वो हल्के हल्के मिट्टी है, वो मिट्टी को पूरी साफ़ करके वॉश करके उसके बाद फिर इसको उसमें फिट करेंगे ताकि गाड़ी का जो लुक है वो रेड कलर एकदम अलग से निखर के जो इन्हेंस होता है गाड़ी में वो सिर्फ उसी चीज़ से आएगा अगर आपके टायर जो है वो एकदम क्लीन एंड क्लियर। चलिए देखते हैं फाइनल लुक, जब ये लग जाएंगे तो किस तरीके से नज़र आएगा देखते हैं। शिवा की पॉलिश है जो कि ये लोग यूज़ करते हैं, और अगर आप देखो तो इसमें क्लियरली लिखा हुआ है कि आपका कवरेज फॉर्मूला, हाई कवरेज फॉर्मूला, जिसे वॉल्यूम है आपका टायर पे, गाड़ी पे, हेलमेट में, स्पीकर पे, किसी भी चीज़ पे यूज़ कर सकते हैं। क्वालिटी में भी हर चीज़ में बढ़िया है ये, तो देखते हैं। We'll be right back.